रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोता घाटी तीन धारा शिवमूर्ति कौड़ियाला का हवाई निरीक्षण किया, लेकिन इससे ठीक उलट जमीन पर हालत बिल्कुल अलग है। स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। श्रीनगर में लोग पेट्रोल डीजल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सड़कें बंद होने के कारण जरूरी सामानों के ट्रक यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क ब्लॉक होने से ट्रक जगह जगह पर फंसे हुए हैं। ऐसे में सुनसान पड़ी सड़कों पर ट्रक ड्राइवरों को इन हालात में दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अपने काम के लिए देहरादून जाना था, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही श्रीनगर में पेट्रोल की भी किल्लत हो गई है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। ट्रक चालक गौतम सिंह रावत ने बताया कि पिछले दो दिनों से सड़क पर फंसे हुए हैं। उन्होंने दो दिन से कुछ नहीं खाया। में जगह जगह रोडें टूट चुकी है, सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जो मरीज रास्ते में फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है और लोग बहुत परेशान हैं। कई सौ किलोमीटर लोग घूम के तब अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनके लिए ना रहने खाने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है कि भाई लोग इतने दूर से आ रहे हैं और वो फंसे पड़े हैं। यहाँ जी हमें कल सुबह से खड़े दो दिन हो गए, आज पूरे दो दिन। हमारे पास जी गैस सिलेंडर का ट्रक है, ये ट्रक है हमारा गैस सिलेंडर का, और पूरी रोड ख़राब हो रखी है जी। आगे वहाँ से श्रीनगर से लेके यहाँ तक, और रास्ते में पत्थर गिरी रहे हैं, और हम किसी तरह न खाना मिल पा रहा, न कुछ मिल पा रहा, और रात तो खाना भी नहीं खाया। और तब हम जब जैसी भी मशीन लगी, वह पत्थर गिरे रहे हैं धीरे धीरे करके, हम अब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वहीं अब अन्य राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को तूल देने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नेथानी का कहना है कि सड़कों से लेकर पुल सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। बीजेपी सरकार का विकास लोगों को सुविधा के बजाय कष्ट दे रहा है। जितने काम इस समय पुल हो, जो अन्य काम हो भी रहे हैं, उन पे तमाम भ्रष्टाचार की लिपापोती इन्होंने की है, लेकिन कितनी बड़ी त्रासदी होती जो वहां से लोग जैसे निकलते हैं वैसे बच गए। तो ये जो भ्रष्ट और खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा का पुल है, लोकतंत्र में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि ये हिमालयी बेल्ट का राज्य है और इस राज्य की रॉक्स कमजोर हैं, मगर अनियंत्रित विकास आज इनकी सोच का ऊपर उठारा खात कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2015 से भारतीय जनता पार्टी ऑल वेदर रोड का ढोंग पीटती थी। मैं पूछना चाहता हूं, आज ऑल वेदर रोड लगभग 150 जगह पर बंद है, तमाम पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, और पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आरटीआई से निकाल के देखिए, ये ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए मौत का कारण बना है। इसमें डॉक्टर मरे हैं, इंजीनियर मरे हैं, प्रोफेसर मरे हैं, आदमियों की इस ऑल वेदर रोड के कारण जो मौत हुई है। हम पूछना चाहते हैं कि ये उत्तराखंड के अंदर ब्लास्टिंग से रोड बनाने का क्या औचित्य है? परंपरागत तरीके से जैसे सड़कें बनती थी वैसे सड़कें बनाते तो आज ये सड़कें खराब ना होती। पुल बन रहे हैं तो पुल टूट रहे हैं, पुराने पुल के मेंटेनेंस के नाम पे इनके मंत्री राजनीतिक बेईमान पैसा खा रहे हैं और पुल की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, और पुराना पुल जो है पोखरी जो है रानी पोखरी में गिर गया। प्रदेश में भारी बारिश की मार है, लेकिन ऑल वेदर रोड का इस तरह से जगह जगह पर क्षतिग्रस्त होना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। सवाल सड़क की गुणवत्ता से लेकर पर्यावरण को ताक पर रखकर हुए विकास कार्यों पर भी है। क्या ऑल वेदर रोड सुविधा से ज्यादा एक नासूर के रूप में सामने आ रहा है? बहरहाल अब देखना यह है कि क्या ऑल वेदर रोड के निर्माण पर उठ रहे सवालों पर सरकार कोई जांच बिठाती है या नहीं। संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।